नीचे भी नहीं है। मैं घंटों से नदी के आसपास ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता है मुझे कहाँ मिल सकता है एक? हाँ, ये क्या है? एक मगरमच्छ का घोंसला? इस दुनिया में स्वागत है दोस्त। मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त मोगली हूँ। तुम्हें अकेले छोड़ना सुरक्षित नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। ये हुई ना बात, हमें मगरमच्छ के खाली अंडे मिल गए। अब आज का लेसन शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे नए दोस्त से तो मिलो बलो। मगरमच्छ, इसका नाम है निबली। कितना प्यारा है ना ये। निबली बस करो, बहुत गुदगुदी हो रही है। मोगली, तुम जो भी नाम हो इसका, इसे अपने घोंसले में छोड़कर आओगे ताकि हम लेसन शुरू करें? इसे छोड़कर आओ? नहीं जा सकता बलू, ये वहाँ अकेला है और पता है ऊपर चील शिकार ढूंढ रहा है। इसकी माँ ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मगर मच्छ अपने बच्चों का ध्यान रखना जानते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो। और जल्दी वापस लौटना, पहले ही इतनी देर हो चुकी है, हमने लेसन शुरू भी नहीं किया। जब तक मम्मी नहीं आती यहाँ से हिलना मत, ठीक है? ओ, मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, पर बलू के आगे किसी की नहीं चलती दोस्त। अरे निबली, अब यहाँ से मत हिलना। मानना पड़ेगा, तुम तो बड़े जिद्दी हो। अब आगे मत आना। ओह ठीक है। बस करो, मुझे सोचने दो दोस्त कि बलू के लेसन के दौरान तुम्हें कहाँ रख सकता हूँ। अब मुझे जाना होगा वरना बलू परेशान हो जाएगा। अच्छे बच्चे की तरह अपना पूरा खाना खा लेना, मैं जल्द से जल्द वापस लौटूंगा। ये इन जंगल में पाए जाने वाले 3000 छिपकली के अंडों में से एक है। ये बहुत ज्यादा मजबूत मोटी परत वाले होते हैं जो बाकी अंडों के मुकाबले। शुक्रिया बलू, क्या ज्ञान दिया है, वाह वाह, मैं तो होशियार बन गया। अच्छा ऐसा है, तो जरा बताओ कि इनमें से कौन सा अंडा कछुए का है? क्या, एक कछुए का अंडा? अरे इतना आसान सवाल, सोचने दो। ये वाला। और एक गिद्ध का? ये वाला। कोबरा का? ये वाला। अब मैं जा सकता हूँ बलू? ठीक है, जाओ अभी, बाकी ज्ञान दोपहर में दूंगा। बघीरा, कहीं तुमने तो उसे। बलू, मुझे लगता है इतनी पढ़ाई कराने के बाद भूख लगी होगी ना। निबली, मैं आ गया हूँ। कहाँ चले गए? शुक्र है तुम ठीक हो, एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता, और मुझे दोपहर में भी एक लेसन के लिए जाना है, किसी की मदद लेनी होगी। अरे हाँ, आइडिया, क्रॉक सिटर ढूंढता हूँ। ओह, पर कौन बनेगा? टेंशन की बात नहीं मोगली, निबली अपने अंकल का के साथ सुरक्षित रहेगा। शुक्रिया सा, ग्रेट, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अब मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। हाँ क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर मस्ती करेंगे। ओ, 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 ओ नो, ये कहाँ गया? अरे इधर आओ। ओ ये तो छुप गया। ओ, एकी, अरे नहीं बहुत बोलती है। टिकी टिकी टावी, ज्यादा मस्ती लाए। पोनिया, वो तो खुद का ख्याल नहीं रख सकती, इसका क्या रखेगी। बंदर, वो तो बिल्कुल भी नहीं। ये क्या? मुझे लगता है बंदर एक अच्छी क्रॉक सिटर साबित हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ लाल मगरमच्छ के।
आशा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ एक महान भेंट, लाल मगरमच्छ। अरे वाह, लाल मगरमच्छ, क्या बात है, आज हम बंदरों के लिए महान दिन है। और तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगी, है ना? हाँ, क्यों नहीं, ये हमारे लिए बहुत खास है। मुँह क्या देख रहे हो, पकड़ो ना। बाय बाय, बाद में मिलता हूँ। तुम्हारे लिए बहुत खास है। वो तो है, ये वही मशहूर कहानी वाला मगरमच्छ है। कौन सी कहानी? एक लाल मगरमच्छ आएगा, ऐसा जानवर जिसमें जबरदस्त ताकत होगी, ऐसी ताकत जो थू और उसके जहरीले दोस्तों को यहाँ से निकाल बाहर कर सकती है, ताकि इन खंडरों में इनके असली हकदारों का राज हो जाए, यानी हम बंदरों का। अरे नहीं नहीं, माफ कर दो मुझे, क्योंकि निबली लाल मगरमच्छ नहीं है, ये एक आम बेबी क्रोकोडाइल है। तुमने हमें बेवकूफ बनाया। मैंने गलत इरादों से नहीं किया था, मैं तो बस। रुक जाओ, अब तुम सजा भुगतो। नहीं सुनो तो, मैंने अभी अभी कुछ मगरमच्छों को इन खंडरों में आते देखा, वो निबली को ढूंढ रहे थे। तुम सब जाओ यहाँ से। एक बार बेवकूफ बना चुके हो, हम बार बार नहीं बनने वाले। खाने में शहद मिल जाए तो बात बन जाए। मुगली, खंडरों की आवाज, ठंडी गुफा के खंडरों में कुछ गड़बड़ है। सही वक्त पर पहुंचे दोस्तों। अब जरा बताओगे तुम यहाँ अकेले क्या? सवाल जवाब बाद में, पहले यहाँ से निकलना होगा। बलो, सही कहा, पर कैसे? खंडरों में चारों तरफ बंदर फैले हुए हैं, अब यहाँ से निकलना तो किस्मत के भरोसे ही है। किस्मत के, या फिर बहुत सारे गुस्सैल मगरमच्छों के हाथों। सेल मगरमच्छ यहीं आ रहे हैं, भागो यहाँ से। काम बन गया। भाग गए। इसे कहते हैं टीम वर्क। इसकी माँ आती ही होगी। अब वो इसका ख्याल रखेगी। बाय निबली। मेरी बेरीज फिर से गायब, अब मैं क्या करूंगी? कितनी मेहनत से इकट्ठा करती हूँ, इस ननी सी जान का काम और बढ़ गया। हो सकता है तुमने कहीं और रख दी हो इक्की, जरा याद करो। मुझे अच्छे से याद है, कल रात को बाहर निकलने से पहले मैंने यही रखी थी और किसी को इस बारे में पता नहीं था। तुम ऐसा नहीं कह सकती इक्की,
मुझे पता था क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की थी और मैंने सुना था तुम राणा और रिकी से भी इस बारे में बात कर रही थी। हाँ, एक आध जानवर को बताया था पर सिर्फ एक आधा और वो ये काम नहीं कर सकते। अगर मुझसे पूछो तो ये काम लगता है किसी चोर का, ऐसा चोर जिसके अंदर लालच भी भरा है। क्या कहा, चोर? चलो हम सुराग ढूंढते हैं। अरे ये देखो, ये तो बेरी का रस है। हाँ। तुम्हारा क्या कहना है बलू? ये तो एक भालू ने किया है, मतलब चोर एक भालू है, एक बड़ा भारी भालू। एक भालू? सच्ची? घबराओ मत की, हम उस लालची भालू को ढूंढेंगे और सबक भी सिखाएंगे। पर हमें सावधानी बरतनी होगी क्योंकि इतना बड़ा भालू खतरनाक होगा। मेरे पास एक प्लान है। एकी, तुम किसी सुरक्षित जगह जाकर छुप जाओ, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अच्छा जाल बिछाया है मोगली। अब देखना, आने दो उस लालची भालू को, यही फंस जाएगा चोर कहीं का। देखना मुझे मत पकड़ लेना। चाहे कुछ भी हो जाए, सोना मत बलू, क्योंकि भालू पकड़ने के बाद हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अरे हाँ हाँ, बस आवाज लगा देना। मोगली, उठो ना, शायद कोई आ रहा है। लगता है वही चोर है। अरे नहीं, ये तो अपना बलू है, लेकिन ये यहाँ कर क्या रहा है? सुनो बलू, क्या कर रहे हो तुम? नींद ही नहीं आ रही है, जाकर देखती हूँ सब कुछ ठीक तो चल रहा है या नहीं। तुम दोनों वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हें सब बताएंगे कि। और वो बलू कहाँ है? उसे मेरी बेरीज की हिफाजत करनी थी। हाँ, वो चोर के पीछे गया है। और मेरी बाकी की बेरीज कहाँ है? फिर से गायब? नहीं, मैं तो फिर से लुट गई। तुम्हें बेरीज वापस चाहिए तो हमें यहाँ से नीचे तो उतारो की। हाँ ठीक है ठीक है। माफ करना बघीरा, चलो अब चलते हैं। देखो वो रहा बलू। बलू, हे बलू, तुम मिकी की बैरिस कहाँ ले जा रहे हो? एक तो चोरी की, ऊपर से अकड़ भी रहे हो। मुझे बलू होश में नहीं लग रहा। हेलो बलू, लगता है बलू नींद में है। इसका मतलब ये नींद में चल रहा है? हमें उसे जगाना होगा बघीरा, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। अरे नहीं, वो नदी की तरफ जा रहा है। Thank you.
बहुत अच्छे बघीरा। किसने हिम्मत की मुझे जगाने की? तुमने इंसानी बच्चे? नहीं नहीं का, मैं नहीं हूँ। तुम सपना देख रहे हो का? सच में मुझे भी लगा था मैं सो रहा हूँ। हाँ। ये कहाँ जा रहा है? हमें इसे रोकना होगा। ये लो इन पके हुए केलों की खुशबू लो बलू। बन गई बात। मोगली पकड़े रहना। जल्दी ऊपर जाओ बघीरा। पाल पाल बचे। शुक्रिया बघीरा। पर बल्लू कहाँ है? पता नहीं कहाँ चला गया। है? जरा वहाँ ऊपर तो देखो मोगली। ये बलू भी ना, हमें उसे रोकना होगा। चलो। बलू! तुम उस तरफ से जाओ, मैं यहाँ से जाता हूँ। क्या कर रहे हैं? तुम ठीक तो हो ना बल्लू? मुझे क्या होगा, पर लगता है मोगली पूरी रात नहीं सोया। बताओ पूरी रात कहाँ घूम रहे थे? मुझे यहाँ ढेर सारी बेरीज मिली हैं। बेरीज? क्या वो चोर मिला जिसने इक्की की बेरीज चुराई थी? हाँ मिला ना बल्लू, वो चोर तुम ही हो। मैं? ये कैसा मजाक है? इतनी रात को बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला? बघीरा सच कह रहा है बलू, तुम तो अपनी नींद में ही चले जा रहे थे और इक्की की बेरीज यहाँ ले आए। ये नहीं हो सकता, पर कैसे? लगता तुमने कुछ ज्यादा ही बेरीज खा ली थी। क्या बात है, देखो तो ऐसा भी होता है। हमने उस चोर को पकड़ लिया और देखो तुम्हारी सारी बेरीज वापस ले आई की। वाह मजा आ गया, पर उस चोर के बच्चे का क्या किया? वो तो बेवकूफ भालू था, उसे पता ही नहीं चला कि वो चोरी कर रहा था। ये है